हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी का हेल्प सीरीज पे स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप राशन कार्ड में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, जिससे कि फ्रेंड्स यदि आप अपना राशन कार्ड में नाम देखना चाहते हैं या फिर आपका नया राशन कार्ड बना है अथवा नहीं बना है चेक करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप जान पाए राशन कार्ड में अपना नाम कैसे ढूंढे, साथ ही नया राशन कार्ड जिन लोगों का बन रहा है उनका नाम आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको आना होगा इस साइड पे, और इस साइड का लिंक फ्रेंड्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया है, या फिर आप सर्च बार में टाइप कीजिएगा epds.bihar.gov.in। अब फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे RCMS रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। दोस्तों, इस पेज को ओपन होने में हो सकता है कभी कभी कोई परेशानी आए, या फिर ये पेज आपका कभी कभी काम ना करे, वो इसलिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रतिदिन राशन कार्ड जनरेट होता है, जैसे जैसे बनते जाता है, सभी का लिस्ट यहाँ पे हमेशा अपलोड होते रहता है। ऐसे में हो सकता है ये साइड आपको कभी कभी काम करे और कभी कभी काम ना करे, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का राशन कार्ड ढूंढना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शो बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे ही आप शो बटन पर क्लिक कीजिएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोगों का राशन कार्ड बन चुका होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वो नंबर ऑफ राशन कार्ड शो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे दो लिंक दिया गया है, एक रूरल के लिए, एक अर्बन के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और शहरी क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र के लोगों का राशन कार्ड ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे अर्बन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे रूरल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना होगा, तो आप जिस भी ब्लॉक के होंगे आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे हम बरारी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत शो हो जाएगा, तो आप जिस भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं साथियों, आपका ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी विलेज होंगे सभी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो विलेज है, तो दोनों विलेज का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों विलेज के ऊपर में से हम किसी भी विलेज के ऊपर क्लिक करके हम जिस भी विलेज के अंतर्गत आते हैं उस विलेज का राशन कार्ड चेक कर सकते हैं, या फिर उस विलेज के किसी भी लोगों का राशन कार्ड देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम विलेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे उस गाँव के जितने भी लोग होंगे सभी का राशन कार्ड का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बारी बारी से आप अपना नाम सर्च कीजिएगा, और उसके बाद इस पेज में ना मिले तो नीचे में पेज 1, पेज 2, 3, 4, 5 करके ढेर सारा पेज दिया गया है। फ्रेंड्स, बारी बारी से उन सभी पेज के ऊपर क्लिक करके आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस पेज में यदि आप अपना नाम शॉर्टकट तरीके से सर्च करना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल F, और फ्रेंड्स आपके सामने सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम इस नाम को सर्च करना चाहते हैं, तो आपको इस सर्च बॉक्स में यह नाम आपको इंटर करना होगा, और जैसे ही इस नाम को इंटर करने के बाद सर्च करेंगे, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे उस नाम के ऊपर हाईलाइटेड कलर से शो हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपका जो भी नाम होगा इस बॉक्स में आप इंटर कर दीजिएगा और सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा, या फिर इंटर बटन पर क्लिक कीजिएगा, जहां भी आपका नाम होगा वहां पे हाईलाइटेड हो जाएगा। यदि एक से अधिक नाम होगा तो यहां पे पेज अप एंड डाउन का दो बटन दिया गया है, आप अप एंड डाउन बटन पर क्लिक करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम यदि मिल जाता है, तो बगल में आपका राशन कार्ड संख्या है, जिस पर क्लिक करके आप अपने राशन कार्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, EPDS साइट प्रत्येक दिन अपडेट होते रहता है, और नए नए लोगों का नाम जैसे जैसे राशन कार्ड में जुड़ रहा है सभी का नाम फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट होते जाता है। इस प्रकार आप प्रत्येक दिन इस साइट को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ा है अथवा नहीं जुड़ा है, यदि आपने आवेदन दे रखा है तो।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपने जाना कि राशन कार्ड में अपना नाम कैसे सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या फिर शिकायत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वरना हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।